अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं स्पेशल शेरखुरमा। तो ये हमारा आज का शेरखुरमे का रेसिपी। हम शूट तो कर रहे हैं, वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन आप सबको शायद थोड़ा लेट मिलेगी ईद के प्रिपरेशन में, ईद की सारी तैयारियों में, ईद के दिन में जल्दी अपलोड ना हो सके, तो उसके लिए भी माजरत, उसके लिए भी सॉरी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 5 लीटर दूध लिया है और दूध को अच्छे से मैं बॉईल करूँगी। हाई उसको स्टार्टिंग में मैं अच्छे, जब तक बॉईल हो जाता है जब तक मैं उसको हाई फ्लेम पे बॉईल करूँगी। उसके बाद उसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से पकाऊँगी, 10 to 15 मिनट्स के लिए अच्छे से मैं उसको पकाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे 5 लीटर दूध ली हूँ। आप कौन सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेट का या गाय का, भैंस का, जो भी दूध आपके पास आता हो वो दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए मग्ज़ियात को बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 150 ग्राम्स काजू हैं और 150 ग्राम्स बादाम है। 150 ग्राम काजू, 150 ग्राम बादाम है। यहाँ पे मैं इसको हल्का सा बॉईल कर लूँगी ताकि ये कट करने में आसानी हो जाए। एक ही बॉईल पे मैं इसको निकाल लूँगी। तो इसको मैं यहाँ पे बॉइलिंग के लिए रख दी हूँ। इसका जब हम पानी निकाल देंगे और इसको अच्छे से स्ट्रेन करके इसको सुखा के इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर मैं ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर काजू और बादाम को बॉईल करके अच्छे से कट कर ली हूँ। सारा इसका पानी सुखा के इस तरह बारीक बारीक हिस्सों में इसको कट कर ली हूँ मैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे मेरे पास चिरौंजी है, बिल्कुल छोटी जो होती है, इसको भी मैंने हल्का सा बॉईल किया है। अलग अलग बॉईल की हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मिला के नहीं और अलग अलग ही कट करके रखी हूँ। इसका भी मैंने सारा स्किन जोकर का जो छिलका होता वो सारा मैंने हटा लिया है। इसको भी स्ट्रेनर में डाल के मैं सारा सुखा ली हूँ। तो ये सारी चीज़ों को अभी हम फ्राई करेंगे। इसके लिए ये देखिए, यहाँ पे मैं 250 ग्राम्स मेरे पास सूखे खजूर है, जिसे खुरमा भी कहा जाता है, खुरमा सूखे खजूर, ड्राई खजूर हैं ये। इनको भी मैंने एक बॉईल से अच्छे से इसको भी बॉईल करके कट कर लिया है। सारी चीज़ों को मैं अभी फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास हैं सेवैयाँ हैं, ये जो कि मीडियम साइज़ की होती हैं, ये मोटी वाली होती हैं, मीडियम साइज़ की होती हैं, ये बारीक या चुटे वाली ऐसी इस तरह की सेवी नहीं है। ये हाथ की बनी हुई होती है या मशीन की भी मिलती है शायद, लेकिन ये मीडियम साइज़ की है। तो हमारे पास इस तरह की सेवी यूज़ होती है। तो अभी हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसको भी तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करके रख ली हूँ। अभी हमारा यहाँ पे दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी उसके ऊपर अच्छी सी मलाई आ चुकी है। मैं अच्छा से ज़्यादा दूध को पकाई हूँ, बिल्कुल 15 मिनट्स पकाई, उससे ज़्यादा नहीं पकाई हूँ मैं। 15 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से मैंने मीडियम फ्लेम पर रख के पकाया है। तो अभी हम चलिए आगे की प्रिपरेशंस रेडी करेंगे। तो हमारा ये शेरखुरमा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनके रेडी होता है। आप सब भी इस तरह से ज़रूर बना के अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए जी, आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक साफ़ अच्छा सा साफ़ भगोना जो लिया है, इसमें मैं घी ऐड करूँगी ताकि हमारा शेरखुरमा बनने में बहुत ही मज़ेदार हो। हम इसको अच्छा साफ़ धो लेके इसको भी सुखा लिए हैं। अभी मैं इसमें घी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम्स मैंने घी ऐड किया है। इसको मैं अच्छा गर्म होने दूँगी ताकि हमारे जो मग्ज़ियात हैं वो आसानी से फ्राई हो सके। तो आप घी, असली घी जो गाय का होता है, बना होता है वो लें, या घर का बना होता है वो लें, या डालडा घी में बनाना चाहते हैं वो भी लें, लेकिन प्रेफर यही है कि असली घी में बनने से शेरखुरमे का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत ही यम्मी होगा। अगर आपको जिसमें बनाना हो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा घी
अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी। हम सारी चीज़ों को फ्राई भी अलग अलग ही करेंगे ताकि दूसरे जो हों जल्दी जो फ्राई होने वाले हों वो जल जाएंगे और ज़रा जो देर से फ्राई होंगे वो अभी बाकी रहेंगे तलना फ्राई होना, तो इसीलिए हम सबको अलग अलग से ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है बादाम को। अभी मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे सॉटे करते हुए कि हमारे बादाम जले नहीं, और हमें बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से मैं हल्का सा ब्राउन करके अभी मैं इसको निकाल लूँगी, प्लेट आउट कर लूँगी इसको मैं। तो हमारा रेसिपी, हमारा शीरकुरमा आप सबको कैसा लगा आप सब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए हमारे बादाम फ्राई हो चुके हैं और मैंने इन्हें प्लेट आउट भी कर लिया है। अब यही घी में हम काजू ऐड करेंगे। काजू थोड़ा सा जल्दी फ्राई होते हैं तो हम इन्हें जल्दी जल्दी ही मिक्स करेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी सॉटे कर लेंगे ताकि हमारे काजू जल ना जाएँ। ये देखिए इसको भी हम बिल्कुल हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसको भी हम जल्दी से निकाल लेंगे, बिल्कुल हम इन्हें जलने नहीं देंगे, हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन कलर रखेंगे तो इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा, कड़वे वगैरह नहीं होंगे ये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे काजू को भी फ्राई करके निकाल लिया है। देखिए बिल्कुल कलर भी बहुत ही अच्छा कलर है और बहुत ही ये मज़ेदार हैं। कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग खाना नहीं पसंद करते, इसीलिए इन्हें अलग ही तल के और बिल्कुल हल्का फ्राई करके ही हमें रखना है। तो यहाँ पे मैंने खजूर को भी फ्राई करना है। खजूर थोड़ा सा लेट फ्राई होगा क्योंकि ये कच्चा रहता है अंदर से भी, तो इसे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको भी आप इसकी जगह पर आप जो दूसरे जो डब्बे वाले खजूर होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, अजवा खजूर जो बोलते हैं या कीमिया के खजूर जो बोलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखे खजूर, क्योंकि ये हमारे पास सूखे खजूर ही ऐड करते हैं इसमें, तो यहाँ पे मैंने सूखे खजूर को अंदर से जो बीज होता है वो निकाल के मैंने इसके छोटे टुकड़े, एक में से तीन टुकड़े इस तरह करके इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई करके अलग ही हटा लूँगी। अभी मैं यहाँ पे जो चिरौंजी होती है उसको फ्राई कर लूँगी। ये भी बहुत जल्दी फ्राई होती है क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी भी होती है और बहुत जल्दी फ्राई होती है। इसको भी हम बिल्कुल जलने नहीं देंगे, बिल्कुल इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं। तो इस तरह देखिए इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। सारी चीज़ें हमारे, सारे मंगसियात हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम बिल्कुल इन्हें इसी तरह अलग रखेंगे और हमारा जो घी बचा हुआ है उसी में हम सेवैयाँ फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सारी सेवैयों को ऐड कर ली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप्स, मैं जब मेजर की हूँ कप्स के हिसाब से तो 2 कप्स के ऊपर, यानी कि मेरा कप जो है थोड़ा सा बढ़ा ली, 2.5 कप उतनी सेवैयाँ हैं ये। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो 200 ग्राम के करीब करीब सेवैयाँ हैं ये। तो ये मैं अच्छे से इन्हें भी फ्राई करूँगी ताकि हमारे सेवैयाँ भी सारे जले नहीं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन में इन्हें भी फ्राई करना है। तो इस तरह से मैं सारी सेवैयों को फ्राई कर ली हूँ। अभी मैं इसको दूध में ऐड करूँगी, जो मैं दूध गर्म करके रखी हूँ उसी में मैं ये सारी सेवैयाँ ऐड कर लूँगी। मैंने दूध में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम इसमें पानी ऐड नहीं करे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेवैयाँ ऐड कर ली हैं। अभी हम दूध को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो और हमारी सेवैयाँ अंदर जो है वो गले। अभी मैं इसमें शक्कर ऐड नहीं करूँगी, जब तक मेरी सेवैयाँ अच्छे से गल नहीं जाती तब तक मुझे शक्कर ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसे अच्छे से पकने रख दूँगी ताकि मेरी सेवैयाँ जो है वो गल जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा शीरकुरमा बन के रेडी होता है। मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सब अपने भी घर पे ये सब ये शीरकुरमा बनाएं इस टाइप से, इस तरीके से, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें अपने ब्लेसिंग्स में, अपने दुआओं में हमेशा शामिल करें। हम भी आप सबको अपने ब्लेसिंग्स में, अपनी दुआओं में हमेशा शामिल करते हैं। और हमारे चैनल, हमारा जो आईडी है वो इंस्टा पे भी यही है, किचन्स एडवेंचर्स। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें प्लीज़। आप सबके सपोर्ट की, आप सबके मोटिवेशन की और आप सबके हेल्प की ज़रूरत है हमारे चैनल को ग्रो अप करने के लिए। तो चलिए जी, हम इस तरह से इसको अच्छे से पकने देंगे, बॉईल होने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा शीरखुरमा अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो इसमें एक ये भी टिप है, जब दूध बॉईल होने के लिए रखें तब इसको स्टर करते रहें ताकि नीचे ये लग ना जाए। तो यहाँ पे मैं जो 5 लीटर दूध है, तो मेरी ये कप है, ये कप से मैं 4 कप शक्कर ऐड करूँगी। इसमें हमारी सेवैयाँ अच्छे से गल चुकी हैं, तो ये मैं 4 कप, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब में, मेरे जो घर पे जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से 4 कप शक्कर बराबर हो जाएगी। तो इसको, दूध को भी जब आप बॉईल होने के लिए रखेंगे चूल्हे पे और मीडियम फ्लेम भी जब करेंगे, तो बीच बीच में इसको स्टर करते रहें ताकि हमारा दूध नीचे तले से चिपके नहीं, वरना चिपक जाएगा तो इसमें जो है दाग की वगैरह जो कड़वी स्मेल होती वो आना स्टार्ट हो जाती है। इसको स्टर करते ज़रूर रहे। अभी हमें इतना पकाना है कि हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए और हमारे शक्कर का जो टेस्ट है, जो कच्चापन जो रहता वो भी सारा हट जाए और हमारा शीरखुरमा बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो। तब तक हमें इसे पकाना है, अच्छे से बॉईल लाना है ताकि बहुत ही मज़ेदार हमारा शीरखुरमा बन के रेडी हो। तो ये देखिए, इस तरह से ज़रूर बनाएं। मैं यहाँ पे इसमें मगज़ियात ऐड नहीं कर रही हूँ, हमें इसी तरह से सर्व करना है। तब हम सर्विंग बोल में हम इसको निकालते शीरखुरमे को, तो अलग से थोड़े से मगज़ियात रख देंगे ताकि जिसको पसंद हो वो अपने बोल्स में डाल ले, ना जिसको पसंद नहीं हो वो नहीं डालते। इसीलिए हम यहाँ पे थोड़े से ही मगज़ियात ऐड करते हैं, थोड़े से अलग से ऐसे ही रख देते हैं ताकि ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकें। तब हम बोल में निकालेंगे, तब हम सारे जिस किसी को भी पसंद हो वो अपने बोल में डाल लेंगे या नहीं तो ऐसे ही सर्व कर लेंगे। इसीलिए हम इस तरह से ही रखते हैं। तो ये देखिए, हमारा शीरखुरमा अच्छे से बॉईल हो रहा है, ये रेडी टू सर्व है। अभी हमें इसे इतना ही पकाना है। तो बिल्कुल इसी तरह आप सब भी ज़रूर बनाएं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए जी, हमारा शीरखुरमा बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा लाइट जा चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए बिना लाइट के भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए, अभी हम इसे इसी तरह से चूल्हे को करते हैं बंद। इतना ही हमें बनाना है बस। और आप सब अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और अपने दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में हमें हमेशा शामिल करिए। हम भी आप सबको अपने दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में हमेशा शामिल करते हैं और हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको, आप सबको की पूरी फैमिलीज को बहुत बहुत ईद उल फितर की मुबारक। ईद उल फितर मुबारक हो आप सबको। तो शीरखुरमा भी हर घर में बनता तो ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा हर एक का अपना अपना तरीका होता है, हर एक का अपना अपना टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तो हर एक का अपना अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही वीडियो करते हैं एंड। और आप सब अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।